मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर, मुखातिब हूँ आपसे इंडिया न्यूज फैमिली गुरु की तरफ से। लेकर आई हूँ आज पितृपक्ष के उपलक्ष में आपके लिए एक खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में कौओं का अपना एक विशेष महत्व होता है। क्यों दिया जाता है स्पेशली भोजन कौओं को पितृपक्ष के दौरान? श्राद्ध में उनका खासम खास ख्याल किया जाता है। वैसे श्राद्ध के समय में, पितृपक्ष के समय में सभी जानवरों को, पक्षियों को दान पुण्य किया जाता है और सभी को खाना खिलाया जाता है, कन्याओं को, ब्राह्मणों को। पर विशेषकर श्राद्ध के दिनों में कौवे को खाना क्यों खिलाया जाता है? हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में सबका अपने अपने समय से ख्याल रखा जाता है, और इस परंपरा के पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने बिना कारण कुछ नहीं किया, हमेशा सृष्टि के कल्याण के बारे में बात की है, इसी के चलते इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। क्या आपने कभी पीपल और बरगद के पेड़ को कभी लगाया है, या उनके बीज देखे हैं, या किसी को कलम से उनको रोपते हुए देखा है? और बरगद और पीपल के पेड़ जो हैं, आपको पता ही है, हम सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। पीपल का मात्र एक ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटे राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, और बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत सारी दवाइयां बनाने के काम आता है। लेकिन इनको रोपने के बाद भी ये उगता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इसकी व्यवस्था अलग तरीके से की है। इनके फल कौए विशेषकर खाते हैं, और उनके पेट में ही इसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद ये पेड़ उगने लायक होते हैं। उसके बाद जब कौए कहीं पे भी बीट करते हैं, वहां पर आसानी से पीपल और बरगद का वृक्ष जो है उग जाता है। और यदि हमें इन दोनों पेड़ों को उगाना है तो बिना कौओं की मदद के हम इन्हें नहीं उगा सकते, इसीलिए हमें कौओं को बचाना होगा और उनकी इस प्रजाति का संरक्षण करना होगा और विशेषकर उनका ध्यान रखना होगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में उनको विशेषकर खाना खिलाया जाता है, क्योंकि भाद्र माह के अंदर जो मादा कौआ है वो अंडे देती है और कौए के बच्चे हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों कौवे माध्यम बनते हैं इन उपयोगी वृक्षों को उगाने में, और उनकी रक्षा हेतु उनको विशेषकर श्राद्ध पक्ष में पूजा जाता है और भोजन दिया जाता है। दोस्तों जब भी आप बरगद और पीपल के पेड़ों को देखें तो मन ही मन अपने पूर्वजों को धन्यवाद करें, और कौओं को स्पेशली धन्यवाद करें, जिसकी वजह से, जिसके चलते हम आज अपनी प्रकृति में पीपल और बरगद जैसे उपयोगी वृक्षों को देख पाते हैं। दोस्तों इस तरह से इस सृष्टि पर कोई भी जीव आकारण नहीं है, सबकी रक्षा कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। ये तो था कौओं को श्राद्ध पक्ष में क्यों पूजा जाता है और क्यों खिलाया जाता है उनको खाना, इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।